हेलो एवरीवन, आज हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियसली कैट 2019 में पूछा गया है। अ शॉपकीपर सेल्स टू टेबल्स ईच प्रोक्यूर्ड एट कॉस्ट प्राइस पी टू अमल एंड असीम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड एट अ लॉस ऑफ 20% रेस्पेक्टिवली। अमल सेल्स हिज टेबल टू बिमल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% व्हाइल असीम सेल्स हिज टेबल टू बरुण एट अ लॉस ऑफ 30%। इफ द अमाउंट्स पेड बाय बिमल एंड बरुण are x and y respectively, then x minus y over p equals, and the options are। ये question एक easy to moderate level का question है। दो tables हैं जिनकी cost price 3 rupees है हर एक की। First table को अमल को sell किया जाता है 20% profit पे, और अमल उसे further 30% profit पे बिमल को sell करता है, जो उसके लिए x rupees pay करता है। ऐसे ही सेकेंड टेबल को 20% लॉस पे असीम को सेल किया जाता है, और असीम उसे 30% लॉस पे बरुण को सेल कर देता है, एंड बरुण पेज रुपीज वाई। हमें पता करना है एक्स माइनस वाई ओवर पी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान होगा, क्योंकि इस टेबल को अमल को 20% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, तो अमल इस टेबल के लिए पे करेगा पी इंटू 120%, दैट मीन्स 20% ज्यादा। वॉट अबाउट बिमल? जिस प्राइस पे अमल ने खरीदा है उसे 30% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, तो बिमल उसके लिए पे करेगा पी इंटू 120%, ये तो वो प्राइस थी जो अमल ने पे की है, इंटू 130%, क्योंकि 30% प्रॉफिट पे इसको सेल किया जा रहा है। दिस इज इक्वल टू एक्स। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 120 ओवर 100 इंटू 130 ओवर 100, ये दो जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। 156 ओवर 100 करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 1.56 टाइम्स p। ऐसे ही अगर हम यहां पर नजर डालें, असीम इस टेबल के लिए पे करेगा, क्योंकि 20% लॉस पे सेल की जा रही है, p इंटू 80%, एंड सिमिलरली बरुण इसके लिए पे करेगा p इंटू 80% इंटू 70%, जो प्राइस असीम ने पे की है उससे 30% लेस पे वो उसे सेल कर रहा है। सो देयरफॉर y is equal to p into 80 over 100 into 70 over 100, again दो जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, 56 over 100 करने पर y की वैल्यू आ जाएगी 0.56 times p। x और y की वैल्यूज अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1.56 p minus 0.56 p over p, ये वैल्यू हमें निकालनी है। सो 1.56 minus 0.56 करने पर ऊपर p आ जाएगा, और P से P कैंसिल होके इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं, अगर आप उसको जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो कोशिश करिए आप कैलकुलेशन मेंटली कर सकें, क्योंकि लिख के सॉल्व करने में हमेशा टाइम जो है वो ज्यादा लगता है।